और पता है मैगी कौन बनाया, आपको पता है? मैगी मैं बना रहा हूँ। ठीक होंगे हम लोग, बिल्कुल ठीक है। तो गाइस आज का ब्लॉग जो हम किचन में स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि आज जो है बन रही मैगी। भाई आज जो है आज संडे, तो मैगी खाने का हमको बहुत इच्छा हो रही थी, मैगी खाएंगे अब। तो मैगी जो बनाने लगती है, और पता है मैगी कौन बनाया, आपको पता है? मैगी मैं बना रहा हूँ। ठीक है गाइस, क्या फर्क पड़ता है? मैगी तो बन रही है, मैंने बनाई है, इसने सिर्फ और सिर्फ लाके दी मार्केट से, बाकी बनाई पूरी मैंने। मतलब मेरा कितना इंपॉर्टेंट रोल है कि मैं लाके दी है मार्केट से, तो मुझे यही लाके देगा ना, अच्छा जरूरी थोड़ी है। तो देखो भाई, ओहो आप सोच रहे हैं इतनी क्वांटिटी में, लेकिन मैं इसलिए क्योंकि आज हम ब्रेकफास्ट में नहीं खा रहे, हम ये खा रहे हैं लंच में। हमारी इच्छा थी कि आज की कुछ भी ऐसा बनाए, ऐसी इच्छा थी कि तो कुछ नॉर्मल सा बनाए, ऊपर अच्छा टेस्टी। तो नॉर्मल और अच्छा तो क्या हो सकता है? मैगी हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ लगता ही नहीं। मैगी सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट भाई। तो मैगी कमेंट होती है, हमको तो मैगी कैसी लगेगी। तो गाइस फाइनली मैगी रेडी हो चुकी है, और पता है मैं कर रहा था एडिटिंग, और मुझे किसी ने बोला भी नहीं, और सबके साथ मैगी खाने बैठ भी गए। पता है आपको, मतलब वेट कौन करेगा? ये बात भी सही कि मैगी जब सामने रखी हो तो वेट तुम्हें करना हो बनता ही नहीं, फिर तो फ्रॉड मैगी खा सकते हैं। चलो खाते हैं। सो गाइस अभी ना चाय आ चुके, चाय पी लेते हैं अपन, और हर पानी गिर कर भी मतलब बंद हो गया है, और अभी हम लोग बैठे हैं चाय पीने के लिए सबके साथ। तो गाइस सही में दीदी भी ना छुपके मैगी खा रही है, मतलब मेरे को बता नहीं थी कि मैगी खा रही है वो, मतलब उसने खुद के लिए मैगी बचा ली थी अलग से। बताइए क्या सही में बड़ी बहन ना, सही में इस बाहर पानी गिर के बंद हो चुका है। अब देखो अभी बादल हो रहे हैं, पानी और आएगा, पर वो तो पूरी सूख गई जबकि पानी आ चुका था। सो गाइस अभी बज चुके हैं 7:30 7:45 समथिंग हो गया टाइम, और भाई कह रहा था चोला, जो कि अभी हो चुका है कंप्लीट, और मैंने भी दिए वगैरह कर दिए, भगवान के आरती करेंगे। और चोले का मैं आपको बताती हूँ बाबा जी कैसे बनाते हैं। तो चोला हो चुका है डन, अब भाई भी गया है चेंज करने, फिर हम करेंगे आरती। तो आपसे आरती करेंगे बंद। तो ऐसा देखा होगा सरकार का चोला करा है हमने, बताया कमेंट में कैसा हुआ चोला। और अभी तो गाइस क्या है, मम्मी वाली खाना, और अभी तो मैं खा रहा हूँ पंजीरी, ठीक है, और मैं पंजीरी खा रहा हूँ। जो कृष्ण जी भोग लगाई थी उसमें से बच गई थी, तो अब ये पंजीरी खा रहे हैं अपन। तो अच्छी होती है खाना, टेस्टी भी लगती है सुन में। और अभी मम्मी बना रही है, मम्मी वाली खाना, देखिए मम्मी खाना बनाने की तैयारी चल रही है मम्मी की। और मम्मी फिर खाने में क्या बना रहे हो आप? कुछ नहीं, आलू की सब्जी और रोटी। तो सिंपल खाना, आलू की सब्जी रोटी बन रही, क्योंकि सुबह हमने मैगी खा ली थी, तो मैगी हमने बहुत सारी बनाई थी, तो पेट मतलब पेट भर खा ली मैं मैगी। तो अभी बनाते हैं नॉर्मल सिंपल और सादा खाना। वैसे आपको बताया था कि खाने में रोटी और आलू की सब्जी बनाने, पर ऐसा मुझे मेरी इच्छा हो रही थी कि मुझे पराठे खाने की इच्छा हो रही थी, पराठे खाने हैं, तो मस्त पराठे बन रहे हैं। नहीं पराठे सेक रही है, और दीदी पराठे बेल रही है। तो दीदी है ना, तेरे पराठे बनने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी ना, मतलब ऐसा नहीं बोल रही कि मैंने तुझे बोला तो ऐसे कर रहे, देखो तो सही, मतलब मानना नहीं है एकदम बिल्कुल भी। और मम्मी की बात चल रही है फोन पे मौसी से, और दीदी थोड़ी जल्दी बना दो पराठे, भूख लग रही है अब तुमको बहुत जोर की। हैं क्या बोली? हाँ तो जल्दी बना रहे पराठे। एक और न्यू रेसिपी मम्मी बना रही है, आलू बड़ा। मम्मी कैसे मूड हो गया आपका आलू बड़ा बनाने का? तो मम्मी का मूड हो तो फिर अलग अलग चीजें मिल जाती है खाने के लिए। पराठे खाने का इसको जरा भी वेट नहीं है, भगवान को भोग लगाए थे शक्कर पराठे का, तो मम्मी से बोल रहा है कि, तो मम्मी बोल रही है कि रुक जा, साथ में खाएंगे खाना जब इकट्ठा खाना। आ चुका है, उसमें आलू बड़े भी अलग साइड हो गए, ये भी पेड़ बड़ा भी हो गया, और ये सब्जी भी है, पराठा है। सो गाइस अभी हमने खाना सब खा लिया है, और पता है अभी ना हमने ना मतलब खाने में सब्जी बनाने में चेंज है, प्लान में चेंज एकदम। मतलब पहले हम सिंपल खाना बना रहे थे, आलू की सब्जी और सिंपल रोटी। फिर पराठे खाने की इच्छा हुई तो पराठे मम्मी ने बना दिए थे। और फिर समझ में मम्मी का बनाया कि आलू बड़ी बनाने थी तो मम्मी ने आलू बड़े ही बना लिए। तो गाइस हमें बहुत टेस्टी खाना होगा आज का मैंने। तो गाइस आज हमने इतना कुछ दिखा नहीं पाया ब्लॉग में, बस 9 मिनट का ब्लॉग है क्योंकि क्या है अभी सब गेस्ट भी चले गए और अभी हम सारा मस्त मतलब अगले। और अभी कितने टीवी देख रही बैठ के और मस्त टीवी में जितना हल्का शो देख रही, मतलब सबसे बेस्ट शो जो है एंटरटेनमेंट शो सभी देखते हैं यार खाना खाते वक्त, वो अच्छा लगता है देखना क्योंकि फैमिली शो है इसलिए। तो गाइस आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना एंड शेयर भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, गुड नाइट।